हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफसीएसआर क्लासेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पीयूसी सेकेंड ईयर अकाउंटेंसी इससे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर की प्रॉब्लम करा रहा था मैं, जिसमें ए सेक्शन बी सेक्शन हमने कंप्लीट किए हैं थ्योरी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। आज हम लूंगा सेक्शन सी, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 4 करना होता है और एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, यानी कि टोटल सेक्शन 24 मार्क्स का, 24 नंबर का इस सेक्शन में आएंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन दिया होता है। आपको 4 अटेंड करना होता है, कोई भी 4 आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, जो भी आपको आसान लगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, जिसमें क्या बोल रहा है, वर्सेस सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है 6 मार्क्स का। देखिए भाई, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स कमेंस पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/4/2020, यानी कि एक्स एंड वाई एक दो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। कब बिजनेस स्टार्ट किया भाई, 1/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 4 अप्रैल में स्टार्ट है बिजनेस, तो क्लोज कब होगा, 31 मार्च पे, ठीक है। चलिए, शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2, इनका जो लॉस हैगा प्रॉफिट हैगा रेशियो क्या होगा, 3:2, यानी कि हमको जब आपका अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, हम किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर एक्स एंड वाई को, ऑन द बेसिस ऑफ 3:2, ठीक है। विद कैपिटल, कितना कैपिटल, एक्स ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और बी ने कितना लगाया, क्या अमाउंट, 80,000, इसी हिसाब से उसको भी प्रॉफिट आएगा। 3 को एक्स को ज्यादा प्रॉफिट या लॉस आएगा और 2 को एक वाई को क्या है, थोड़ा सा कम आएगा कंपेयर टू एक्स, ठीक है। रेस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट क्या एक्स है और सेकंड क्या, तो क्या आएगा, दे अर्न प्रॉफिट और भी कितना भी, जो 1 ईयर में जो उन्होंने प्रॉफिट लिया है फॉर द ईयर कितना, 15,000 का, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसेस अभी और इनकम अभी एड नहीं हुआ है और ना ही लेस हुआ है, बिफोर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे क्या दिया भाई, यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो एक्स एंड वाई जो इन्वेस्टमेंट किए हैं बिजनेस में कैपिटल 1,80,000, तो उनको क्या है भाई, पैरानम क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है, तो बिजनेस को क्या होगा, खर्चा होगा और पार्टनर्स को क्या होगा, इनकम होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि बिजनेस को अगर इनकम होगा तो बाई साइड, अगर लॉस होगा खर्चा होगा तो 2 साइड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विड्रा जो पार्टनर से विड्रा करते हैं, कितना विड्रा करते हैं उस पर भी क्या है, हमको बिजनेस को इंटरेस्ट देना होता है, तो उस टाइम पे बिजनेस को क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। कमीशन पेबल टू एक्स, कमीशन किसको दे रहे हैं भाई, एक्स को दे रहे हैं, तो एक्स को तो इनकम होगा लेकिन बिजनेस को क्या होगा, खर्चा होगा। सैलरी पेबल टू वाई, वाई को सैलरी दे रहे हैं, बिजनेस को खर्चा होगा और वाई को क्या होगा, इनकम होगा। तो यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, ठीक है। तो हमको ओपन क्या करना है भाई, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021, यानी कि हमको अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल्स एंड रेगुलेशन अलॉट होगा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि अगर बिजनेस को इनकम आ रहा है तो भाई साइड, अगर बिजनेस को खर्चा लॉस हो रहा है तो 2 साइड, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पीयूसी सेकेंड ईयर में आपने ऑलरेडी आपके कॉलेज में बताया होगा प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उसका फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट उसको बताऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए भाई, इसका सॉल्यूशन है क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इसका फॉर्मेट कैसा है भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट और उस पर जो रूल्स फॉलो होगा वो नॉमिनल का होगा, ठीक है। पार्टनर्स का इनकम या लॉस नहीं देखना होगा, यहाँ पे बिजनेस को देखना होगा कि बिजनेस को क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन का अकाउंट यहाँ पे होता है पार्टिकुलर्स और ये होता है अमाउंट, ये होता है फर्स्ट टाइम पार्टिकुलर्स और ये होता है, ठीक है। ये सीआर सेट, ये डीआर सेट, यानी कि ये डेबिट है और ये सीआर इनकम होगा, तो ये सेट अगर लॉस होगा खर्चा होगा तो डीआर 2 सेट, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम का 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट वन देखेंगे क्या है भाई, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स कमेंस पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/4/2020 शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, ये रेशियो का वो काम लास्ट में आएगा जब हमको देखना होगा कि इसमें प्रॉफिट आया या लॉस है, उस पर इस बेसिस पर दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, देना होता है, ठीक है। रेशियो विद कैपिटल ऑफ ₹1,80,000 रेस्पेक्टिवली, दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 फॉर द ईयर बिफोर अलाउंस, यानी कि कितना प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट हो रहा है तो ये नॉमिनल अकाउंट है तो किस में आएगा, बाई साइड में। अगर लॉस दिया होगा तो किस में आएगा,
टू साइड में, क्योंकि लॉसेस एंड एक्सपेंस किसमें आते हैं, डीआर में आते हैं, इनकम एंड गेन किसमें आता है, इनकम बाई साइड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम दिया गया है, यहाँ पे बाई साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में लॉस दिया होता तो पैसा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। चलिए कितना है प्रॉफिट, 15,000 हमारा तो प्रॉफिट आया, 15,000, चलिए इसका तो काम खत्म हो गया। नेक्स्ट है ये 1, 2, 3, 4 एडजस्टमेंट, ये 4 एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका काम खत्म। तो ये पे 6 मार्क्स बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट वन क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, 10% पर अनम, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में पार्टनर्स, उस पर हमको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि बिजनेस में से पर अनम क्या है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे पार्टनर्स, तो बिजनेस में क्या होगा, खर्चा होगा, और पार्टनर्स में क्या होगा, इनकम होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकम होगा तो वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पास चल जाएगा, लेकिन बिजनेस को अगर लॉस हो रहा है या खर्चा हो रहा है तो कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से टू साइड में। कैसा खर्चा होगा भाई, देखिए पार्टनर 1,80,000 जो इन्वेस्टमेंट किए हैं तो पर अनम उस पर इंटरेस्ट भी कितना लेंगे, वो 10%, तो बिजनेस का जो पैसा जा रहा है 10%, 10,000 या 8,000 ये बिजनेस को क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इस लिहाज से बिजनेस को क्या है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में आएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट वन टू, क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर है अभी, टू पार्टनर है, फर्स्ट है एक्स और एक है वाई, एक्स से कितना है कैपिटल 1,00,000 है, तो 1,00,000 पे कितना इसको देना होगा कमीशन, इंटरेस्ट 1,00,000 इंटू 10/100 कितना 10,000 है ना, इससे कितना वो आएगा 80,000 है, और उसको कितना देगा इंटरेस्ट 10% इसका भी, तो कितना होगा 8,000, तो जब ईयरली 18,000 रुपए दोनों पार्टनर्स अगर निकालेंगे कमीशन इंटरेस्ट, तो बिजनेस को क्या होगा, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड को टू साइड, चलिए एक दो होगा, ठीक है भाई, इंटरेस्ट एंड ड्राइविंग, तो बिजनेस वाले का वजह क्यों भाई, अगर आप कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप तो इंटरेस्ट पेड हो रहा है, तो उस समय बिजनेस को लॉस होगा, लेकिन अगर आप विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस को भी आप इंटरेस्ट देना होगा, तो उस समय पार्टनर्स को क्या होगा, लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा, लेकिन बिजनेस को क्या होगा, उस समय इनकम होगा, क्योंकि जितना भी विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स उस पर उनको विड्रॉ अमाउंट विद इंटरेस्ट भी उनको लौटाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे बिजनेस को क्या होगा, इनकम होगा, इस तरह से बिजनेस से इनकम होगा, तो ये आएगा बाई साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे क्या है, इंटरेस्ट जो विड्रॉ करते हैं पर्सनली उस पर क्या विड्रॉ है, इसका भाई एक्स है और वाई का है ना, एक्स है कितना भाई, परसेंट नहीं यहाँ पे डायरेक्ट रेट दिया है, कितना है 1,000 एक्स है और वाई का कितना है 800, टोटल कितना होगा भाई 1,800 इंटरेस्ट और बिजनेस को इनकम होगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट कैपिटल पे होगा तो उस समय बिजनेस को क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, जब इंटरेस्ट ड्राइविंग पे होगा तो उस समय बिजनेस क्या होगा, इनकम होगा। तो सेकंड वन भी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। थर्ड वन क्या है भाई, कमीशन दे रहे हैं किसको, पेबल किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं, तो जब कमीशन वाई को दे रहे हैं तो बिजनेस को क्या होगा भाई, लॉस होगा या खर्चा होगा, लेकिन वाई को क्या है, एक्स को क्या होगा भाई, इनकम होगा, तो एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, बचत जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस को क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो ये आएगा टू साइड में टू, इसको दे रहे हैं कमीशन, हम कमीशन टू एक्स, सिर्फ एक्स को दे रहे हैं, वाई को नहीं दे रहे, ठीक है, कमीशन पेबल टू एक्स कितना 2,000 रुपए, चलिए 2,000 ये भी हो चुका है सी, और नेक्स्ट क्या बेटी, सैलरी भी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, सैलरी पेबल टू वाई 3,000, वाई को सैलरी दे तो वाई को तो इनकम होगा, लेकिन बिजनेस में क्या होगा, वो खर्चा होगा, तो इसलिए सर ये भी क्या है, एक्सपेंसेस डीआर सर भी जाएगा, सैलरी टू वाई कितना भाई 3,000, 3,000, चलिए ये भी कर लिए हम, कितने टोटल देखिए भी कितने आइटम दिए हैं, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि एक आइटम के लिए एक मार्क्स, अगर एक भी अगर आप करेक्ट करेंगे तो उसको कितना एक मार्क्स, तो टोटल ये 6 आइटम्स है, तो आप कितना है मार्क्स लिए 6 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए अब देखना होगा कि हमारे बिजनेस को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन जो एक्सपेंसेस इनकम जब ऐड करते हैं तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, 15,000 ये और से आइटम जो हमने नहीं ऐड किए थे, नहीं लिए थे, वो लेने के बाद देखना होगा कि हमारे बिजनेस इनकम है या लॉस है। तो चलिए भाई अगर ये सर इनकम बैलेंस आएगा तो इनकम होगा, ये सर बैलेंस आएगा तो लॉस आएगा, ठीक है। चलिए अब देखना है कि इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस, चलिए बिजनेस क्या है, 15,000 + 1,800 कितना होगा 600, 800 हो गया, ये कितना है 10,000 + 8,000, 18,000 इधर हो गया, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, इनकम कम रहा है, तो कितना होगा 10 + 8
18 डजन प्लस 2 डजन 20 डजन 20 डजन प्लस 3 डजन टोटल कितना होगा 23 डजन। इधर भी क्या है भाई 23,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको आएगा लॉस। ये लॉस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। कहाँ पे जाएगा लॉस या प्रॉफिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यहाँ कितने भाई एक्स पार्टनर है और वाई का है, लॉस तो टोटल आएगा लेकिन यहाँ पे एक्स को कितना होगा और वाई को कितना होगा इस रेशियो पे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, चलिए मैं कैलकुलेटर पे देखता हूँ कितना लॉस है हमारा। यहाँ पे देखिए भाई 23 डजन माइनस 16,800 तो कितना लॉस है हमारा 6,200। बिजनेस को लॉस हो चुका है लेकिन यहाँ पे जो एक पार्टनर नहीं है बल्कि कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर्स है, ये तो हो गया टोटल बिजनेस का 6,200। एक्स कितना जाएगा, वाई कितना जाएगा लॉस, इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसा करेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूट? यहाँ पे देखिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 6,200 इनटू कितना भाई 3:2 यानी कि 3/5 और वाई कितना होगा भाई 6,200 इनटू 2/5। ठीक है, चलिए 6,200 इनटू 3/5 एक्स होगा लॉस 3,750 का और वाई कितना होगा 6,200 2/5 2,480 6,200 इंटू 2/5 2,480 प्लस 3,750 6,200 इंटू 3/5 3,720 हो गए। ठीक है, 3,720 तो टोटल कितना होगा बोला 6,200। तो चलिए एक्स को लिखेंगे हम 3,720 2,480 तो टोटल होगा लॉस 6,200। बस इतना ही करना होता है, ये आपको 6 मार्क्स, अगर आपका आंसर करेक्ट है, परफॉर्म मार्क्स करेक्ट है तो आपको मार्क्स यहाँ पे कट नहीं होंगे, 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट एंड ऑपरेशन का अकाउंट का आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा। अगर किसी में आपको डाउट है या आपको पूरी तरह से डिटेल आपको जानना है या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहा है या अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां भी अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को और अदर सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।